हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर 11 के जूलॉजी सेक्शन को। देखते हैं 137 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है एनसीईआरटी का, डिट्टो वहां से उठाया गया है। इसमें कुछ मार्किंग है, मार्किंग में बताना है एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो कि लेवलिंग में देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम क्यू लेवल, ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि क्यू क्या है हमारा। क्यू हमारा यहाँ पर प्लेसेंटल बिलाई है। ये यहाँ पर जो दिख रहा है अपने को, ये प्लेसेंटा के छोटे छोटे बिलाई है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर यू सेक्शन, ये जो यू वाला जो पार्ट है अपना म्यूकस प्लग है। क्या है? म्यूकस प्लग। आगे हम देखेंगे एस वाला, एस जो है यहाँ पर ये अपना योक सैक है। योक सैक के बाद साथ में देखेंगे आर, आर सेक्शन में है। आर जो है हमारा कैविटी ऑफ यूटरस है। बाकी जो लास्ट जो अपने बचा है एस वाला, लास्ट जो है ये टी वाला जो अपने पास जो बचा है, टी जो है हमारे पास आर एस टी, टी वाला अपने को इसमें से देखना नहीं। ये टी तो खुद डेवलपिंग अपना एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका मिलेगा अपने को बी। अगला क्वेश्चन है 138 में मेल जेनिटल ट्रैक्ट का प्रॉपर सीक्वेंस पूछा है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला देखते हैं क्या क्या है इसमें ऑप्शंस में। रेडियल डेस्टिस दिया है, वासा डेफरेंस, वासा एफरेंशियल, एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा। तो हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले को अपने हमको देखने को मिलेगा रेक्टाई मसल। रेक्टाई मसल से ऊपर चढ़ेंगे तो रेडियल डेस्टिस मिलेगा। रेडियल डेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, तो ऐसा ट्यूबल पार्ट बन जाता है वासा डिफरेंस, और लास्ट में अपनी यूरेथ्रा। तो ये जो अपने को देखने को मिल रहा है वो अपने डी वाले ऑप्शन में, आंसर मिलेगा डी। 139 में देखते हैं, आफ्टर उपरोक्टोमी द हार्मोन लेवल इन द फीमेल ब्लड विल बी। अब उपरोक्टोमी क्या होता है? उपरोक्टोमी समझो पहले, ये अपना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ये अपनी ओवेरियन पार्ट है। अब यहां हमने क्या किया, उपरेक्टोमी, ठीक है, क्या किया, इक्टोमी। इक्टोमी का मतलब क्या किया, हमने कट किया था और रिमूव कर दिया था, कट करके रिमूव कर दिया था, यानी हमने यहां से ओवरी हटा दी। तो ओवरी हटा देंगे तो ओवरी के हार्मोन भी चले जाएंगे। तो ओवरी के हार्मोन कौन से, अपने एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन के बाद अपने प्रोजेस्टेरोन है। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, एकदम सडन इनका लेवल कैसा जाएगा डाउन। बाकी जो एफएसएच और एलएच है, FSH और जो LH है, ये कैसे पिट्यूटरी हार्मोन है, ये तो बड़े मिलेंगे अपने को, ये तो उसके हिसाब से जाएंगे। तो आंसर अपने को बी वाला। 140 में स्टेटमेंट दिए हैं, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विथ बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बेहतर जीवन सुविधाओं के साथ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है, एक्सप्लोसिवनेस आती है। ठीक है, ये तो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन बस्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेटमेंट टू में क्या हो रहा है, यदि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करेंगे तो लेसर साइड इफेक्ट होंगे और पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब दोनों कंडीशन एक जैसे हो रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर अपना मिलेगा ए। 141 में देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें पूछी गई हैं, जिसमें अपने को एग्जैक्ट जो वैल्यू जो हम देखेंगे वो अपने को डी वाले ऑप्शन में मिलेगी। डी वाला ऑप्शन ही बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 45 मिलियन एमटीपी होती है, जिसमें से 50% टोटल हमारे कंसीव प्रेगनेंसी की होती है। तो ये जो आंसर है वो डी है। 142 में एनसीईआरटी की इमेज उठाई है, पूछा गया है कि ये जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो जो भी इन्फेक्शन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो पूरा सा ये जो इन्फेक्शन किसके कारण हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला माइक्रोस्कोरम टाइकोस्पोरम एपिडर्माफाइटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये क्या है, फंगस की ये छोटी छोटी स्पीसीज है, इससे होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर है अपना डी, बोचरेरिया ब्राउन बैनक्रॉप्टी के कारण होता है कि नहीं होता, एलर्जिक होता है, फंगल एलर्जिक नहीं होता,
हीट एंड मॉइस्चर हेल्प देम टू ग्रो। फंगस जो है हमेशा याद रखना अपने को, जहां कोल्ड एंड हॉट दोनों एक ही मीडियम में मिल जाते हैं, वह फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं। तो आंसर अपने में हो जाएगा सी। 143 में देखेंगे, मैच द कॉलम दिया है, बहुत सारे बैरियर दिए हैं, इसके बारे में मैच करना है। तो सबसे पहला है अपना फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है अपना, फिजिकल बैरियर से हम देखेंगे। फिर दूसरा दिया है फिजियोलॉजिकल, फिर तीसरा दिया है सी सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। सबसे पहले डी वाला साइटोकाइन बैरियर में अपने को मिलेगा, है ना, साइटोकाइन बैरियर जो है अपना फोर्स से जुड़ा है। फिर सी वाला जो है सेलुलर बैरियर पीएमएनएल से जुड़ा है। फिर बी वाला फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है अपने, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है अपना सेकेंड वाले सलाइवा से जुड़ा है, और जो सी वाला जो बैरियर है वो अपना इससे जुड़ा है। तो आंसर अपने को हो जाएगा डी। 144 में देखेंगे, मोस्ट द कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। कैंसर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैंसर का इलाज कैसे करते हैं? तो कैंसर के इलाज में क्या है, शुरुआती तौर पे हम क्या चलाते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है सारी जो और जो ट्रीटमेंट है वो सारे सपोर्टिव होते हैं, सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो जाता है वो जाता है, डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, वो रेडियोथेरेपी की तरफ जाता है, ठीक है, या तो वो कीमोथेरेपी पे जाता है। तो आंसर अपने को यहां मिल जाएगा ये। 145 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। डिटेक्टेड अर्ली यानी इसको हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, और अर्ली जो है हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। सबसे पहले एड्स अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, अर्ली सही हो पाएगा नहीं, अर्ली जो नहीं हो सकता है, इसलिए अभी के कंडीशन में देखेंगे यार तो इसका क्योर नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। हेपेटाइटिस बी लीथल होता है एकदम। फिर जेनाइटल अर्पीज इन्फेक्शियस होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। गोनेरिया क्या है, निजेरिया गोनोरी से फैलता है, और निजेरिया गोनोरी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। इस बैक्टीरियल डिसीज में हम प्रॉपर एंटीबायोटिक का रेजिम चला के हम क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा अपना डी। 146 में वापस से वही एनसीईआरटी की लाइंस दी हैं। पूछा गया है रिजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज कॉज्ड बाय। रिजेक्शन कैसे होता है, सेलुलर मीडिया के एनिमिटी से, ठीक है, ये हो गया सही। फिर ट्रीटमेंट के बसात में हम क्या देते हैं इसको, साइक्लोस्पोरिन। आंसर हो जाएगा सी। 147 में सेलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन है बहुत सारे गलत हैं, और बहुत सारे जो है इनमें से छांटना है जो कि सही है। तो सही हम देखेंगे, सही वाले देख लेते हैं पहले। पहला है एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है, पहला सही लग रहा है। फिर एफ वाला देखेंगे, रेगुलर विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी इन फार्म मैनेजमेंट। एफ सही है, बाकी के जो अपने जो ऑप्शन मिलेंगे वो अपने सारे फॉल्स हो रखे हैं। आंसर हो जाएगा अपना डी। 148 में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग में क्या होता है, जब आप एक फीमेल या एक मेल दोनों स्पीसीज में लगातार आप जो हाइब्रिडाइज करवा के स्पीसीज बनाते जाते हो, तो उनकी जो है जो प्रॉपर्टीज है उनके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या है, जो प्रोडक्टिविटी थी वो लगातार पर स्पीसीज कैसी हो जाती है, डाउन होने लग जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं रिड्यूस हो रही है फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कैसे याद रखा था उन्होंने, एफ एंड पी जो कैसी हो जाती है, पूरी डाउन हो जाती है। तो 148 जो है देखेंगे हम आंसर डी।
149 में देखेंगे। दोस्त असेसन रीजन पूछा गया है, ऑल एनिमल्स लाइक व्हेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द बोन्स ऑफ फोर लिम्स। पहला सही है, सिमिलर करता है, ठीक है। फिर अपने को देखने को मिलेगा दूसरा रीजन जो है, यूथेरियन सो गुड एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यूथेरियन क्या करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर अपने को डी हो जाएगा। में मिलेगा मैच द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीसीज जो ओवर द इवोल्यूशन डेवलप होते आए हैं, इसकी कैरियल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे अच्छा बेटा याद रखने का तरीका है, जितनी भी ये कैरियल कैपेसिटी है उनकी आप एक छोटा सा टेबल बना लो। टेबल बना लोगे तो ये क्वेश्चन हमको हर बार मिलता ही है, तो ईजिली करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से होमो इवेलिस इसका आंसर है। अब आएंगे 151 में। 151 में वही हार्डी वीनबर्ग वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। पूछा गया 60% पॉपुलेशन दी है अपनी, होमो जाएगा रेसेसिव है, तो हमको डोमिनेंट टाइप की स्पीसीज का निकालना है। 64% दिया है, पी स्क्वायर प्लस 2PQ, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो इसका नियम होता है, इसमें जब पुट करके देखेंगे आंसर अपने को ए मिल जाएगा। 152 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स के बारे में होता है। स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले वही चीजें हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं डीएनए को। आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट के बाद क्या करेंगे, फिर आइसोलेट के बाद हम इसको बड़ा करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें उसको छोटा सा डीएनए को लाइगेट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन को फिर इंसर्ट करेंगे दूसरी होस्ट सेल में, फिर क्या है डिजायरेबल डीन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा अपने का सी। 153 में देखेंगे, आफ्टर द वाई सिंथेटिक फेज द प्रोडक्ट सेपरेटेड एंड प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ हमने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो हम यहाँ प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको प्रॉपर प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो अनवांटेड चीजें है उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। ये सारी जो सिक्वेंसिंग जो होती है अपने डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में एज अ फैक्ट्री लेवल पे हम देख पाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। 154 में देखेंगे, द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स एग्रोबैक्टियम ट्यूमिफेसियंस व्हिच इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। एग्रोबैक्टियम जैसे ही आ गया आंसर आपको सोचते ही है टी डीएनए लगाना है। 155 में देखेंगे, व्हिच विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इंसुलिन के बारे में। सबसे पहला है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड होता है क्या, नहीं होता है। कौन सी होता है, ए और बी होती है बस। फिर सी द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन में सी होता है, होता है। डी ए पेप्टाइड डिप्टाइड इंसुलिन आर द इंटरकनेक्ट बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये तो आंसर अपने को यहाँ सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। इसमें यहाँ बताया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक कमेटी होती है जो कि क्या क्या अप्रूवल देती है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानो, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑथराइजेशन कमेटी। इसके क्या क्या अपने रोल्स हैं ये बता दिए कि आप किन किन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पर रिसर्च कर सकते हो और इनकी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखती है। ये दोनों ऑप्शन अपने को मिलेंगे डी वाले ऑप्शन में, आंसर है डी। 157 में स्टेटमेंट पूछे गए हैं, इन ह्यूमन मेल एजेक्युलेटरी डक्ट ओपन आउटसाइड द पीनस। आउटसाइड द पीनस होता है, ठीक है, सही है इसी का ऑप्शन। फिर बाथपस में जो दिया है, टिनिका वेजिनालिस इज अ कवर
प्रेजेंट ओवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्यूनिक में वेजेंगलिस तो बेटा कहाँ मिलता है अपने को, स्क्रोटल एरिया मिलता है, स्क्रोटम की कवरिंग होती है। तो ये तो अपना बी वाला जो गलत ही हो गया, इसका स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट हो रखा है। तो आंसर अपने को हो जाएगा बी। 158 में देखेंगे, अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन द इम्प्लांटेशन। ये चार स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें जो है अपने को छांटना है कि इसमें से ब्लास्टोसिस्ट कौन है। ब्लास्टोसिस्ट जो है ना कैविटी एंड पार्ट जो है अपना, ये है सी, 158 का सी। 159 में देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एड्स। सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे सी वाला, द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस सेंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। तो मेन जो कंसर्न जो होता है एचआईवी में, ये टी हेल्पर सेल जो है अपने लगातार कंसेक्यूटिवली घटते जाते हैं। आंसर है सी। 160 में देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में इनकरेक्ट वाला छाटना है, एक इनकरेक्ट वाला जो है अपना सी ऑप्शन है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, नहीं स्पेसिफिक होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर होता है, प्रॉपर एंटीजन होता है, प्रॉपर इसका एंटीबॉडी होता है। तो आंसर है सी। 161 में देखेंगे, द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन एड्रेनालिन स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ। एंटीहिस्टामिन और एड्रेनालिन और स्टेरॉइड ये क्या करते हैं, ये हमारी जितनी भी जब एलर्जी होती है, एलर्जी का मतलब क्या है, किसी भी विशेष पैथोजन या एलर्जन के प्रति एक हाइपर वाला रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स, हाइपर वाला रिस्पॉन्स। हाइपर रिस्पॉन्स कौन से में आते हैं, इसमें छींक आना, ठीक है, बार बार खांसी आना, आंसू आना, ये सब किस में आते हैं, एलर्जी में आते हैं। 162 देखेंगे, चू द इनकरेक्ट मैच। वापस से ईयर वाला क्वेश्चन इवोल्यूशन में दिया है अपने क्लासेस में, इसकी जब टेबल बनाई थी, 3 माइनस वाला जो आंसर है वो सही है इस क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से, बाकी तो सारे अपने सही होते हैं। 163 में डेवलपमेंटल सिलेक्शन का ये अपना ग्राफ बनाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि डबल पीक किस में आती है। डबल पीक आती है अपने डिसरप्टिव में। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, अपने डबल पीक आते हैं। 164 में देखेंगे ऑप्शन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को देखेंगे ये सारे सही है। सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंजन हिंड का क्या है, हिंड का अपना क्या होता है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही तो होता है। बायोस्टेरिलिंग मेथड में क्या है, टंगस्टन यूज करते हैं, सही है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनिमल्स इंजेक्ट करते हैं। प्राइमर्स में केमिकली सिंथेटाइज होते हैं जो कि डीएनए में पीसीआर करते हैं। तो आंसर इसका ए लगाएंगे। 165 में देखेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड। सबसे पहले डीएनए जो है सालोनेला जो टाइफिरियम है उसके रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में हमने देखने को देखा था। 166 में देखेंगे, मैच द कॉलम ऑप्शन है। सबसे पहले पीसीआर जो है एड्स पेशेंट में यूज करेंगे। बी, जीन थेरेपी किस में करेंगे, स्टडी ऑफ डिसीजेस में। जीएम प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है अपने, ये अपने को यहाँ से ये हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम यूज करेंगे पेस्ट रिजेक्टिंग क्रॉप में। अब बचा ट्रांसजेनिक एनिमल, वो अपना सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर बी। 167 में देखेंगे, असेंशियल रीजन दिया है, the presence and absence of the hymen is not reliable indicator of virginity। सही बात है, ये बिल्कुल रिलायबल मार्कर नहीं है इसका। फिर इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, इट कैन आल्सो ब्रोकन बाय द सडन फॉल ऑफ फॉल्ट। ठीक है, दोनों के तरह से हो सकता है, आंसर अपने को डी मिल जाएगा, जिसमें दोनों ऑप्शन अपने
करेक्ट हो रखे हैं। 168 में देखेंगे, 168 में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक प्रॉपर ग्राफ और हार्मोनल ग्राफ एनसीईआरटी से सीधे सीधे एग्जैक्ट उठाया गया है। आपको सिर्फ हार्मोन देखना है कौन कौन से बोले। सबसे पहले ए अपना एफएसएच है, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है आगे चल के पीक होता है 14वें दिन पे। फिर बीवी कैसा होता है, इसका सर्ज होता है। तो बी वाला अपना कौन सा हो गया एलएच, और ये हरा वाला कौन सा हो गया एफएसएच। फिर सी हार्मोन, सी हार्मोन जो है ओबुलेशन के पहले एकदम पीक आता है, ये जो है एस्ट्रोजन हो सकता है। और बाकी जो डी पी फोर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो पी से अपना यहाँ पे क्या अपना प्रोजेस्टेरोन है, हार्मोन है इसका प्रोजेस्टेरोन है, तो ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 169। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जायगोटिक सेल वुड लीड टू बर्थ ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन में जायगोटिक सेल यदि पैदा हो रही है तो ये जो बर्थ किसका होना है, 1x होगा 1y होगा, सिंपल है। 170 आइडेंटिफाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत चार्टना है। गलत क्या हो सकता है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। फुल रिस्पॉन्स देती है क्या, नहीं देती, आंसर है डी। अब इसमें बहुत सारे ड्रग्स दिए हैं 171 वाले क्वेश्चन में, सही वाला चाटना है। ये जो है आप देखो यहाँ पे एरिथ्रोक्साइलम पोपा से मिलता है, ये क्या हो सकता है, इसका दो ही तो इमेज है केमिकल फॉर्म में ह्यूमन हेल्थ डिसीज में अपने देखा है, उसको एग्जैक्ट इसकी पिक्चर मेमोरी दिमाग में फंसा लोगे तो इसका तुम्हें आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये कैसा होता है, पॉपी से मिलता है, पेपर पर सोमनी फेरम है ना, एरिथ्रोक्साइलम पोपा, ये सारी जो सब चीजें इससे जुड़ी हुई है। इफेक्टिव सीडेटिव होता है और पेन किलर की तरह काम करता है। पेन किलर तो क्या काम करता है, वो मॉर्फिन करता है ना, मॉर्फिन के जो कैसा है एक मेडिकल यूज भी होता है। ये जो अपना आंसर हो जाएगा 172 लीवर डैमेज के कॉज बाय द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड। ज्यादा जो अल्कोहल इंटेक जो करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो अंदर जो हेक्सागोनल जो हेपेटोसाइट्स होती है धीरे धीरे कैसी हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस। तो धीरे से लास्ट में क्या होता है, धीरे धीरे ये लीवर सिरोसिस की क्रोनिक कंडीशन की तरफ ये चली जाती है, आंसर है सी। 173 सीधा न्यूमरल आंसर है, याद रखना है अपने को, पूरा गैलेक्सी का वाई थी पूरा ये आंसर आ जाएगा अपना 15.5 बिलियन वर्ष पूरा पहले। 174 में देखेंगे द बिगेस्ट डायनासोर हैड 20 फीट हाइट ह्यूज फियरसम टाइगर टीथ लाइक। आंसर एनसीईआरटी का जो डायग्राम जो दिया है ऐसे करके जो यहाँ डायनासोर बना रखे हैं, एलर बना रखे हैं, तो उसमें आंसर अपने को ट्राइनोसॉर्स मिल जाएगा यदि देखा होगा पिक्चर तो। 175 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर एस डीएनए मूव टुवर्ड एनोड बिकॉज दे नेगेटिवली चार्ज। बढ़िया, तो आंसर अपने को मिल जाएगा डी। 175 देखेंगे 176 में अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस बाय, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन कहां से प्रोड्यूस होता है, ट्रांसजेनिक काउ से, ट्रांसजेनिक काउ। 178 में देखेंगे सारे ऑप्शन दिए हैं, अपने को पहचाना है करेक्ट वाला, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए इसमें करेक्ट वाले दो ही ऑप्शन लग रहे हैं अपने को, एक ए दिया है पार्चुरेशन वाला और एक अपने को बी दिया है इनकी रजिस्ट्रेशन। 179 में दिए हैं कुछ कंट्रासेप्टिव प्रोसीजर्स दिए हैं और उसके उपयोग होने वाली चीजें।
सबसे पहले ए, ए यहाँ पर क्या है, कॉन्डम फॉर फीमेल है, बी यहाँ पर कॉन्डम फॉर फीमेल है, और सी जो है यहाँ पर कॉपर टी दिख रहा है स्पेशल, और ये अपने नॉर प्लांट दिए, आंसर अपना बी। इफ डीएनए, अगला जो क्वेश्चन है, इफ डीएनए इज अ क्रोमोजेनिक मटेरियल यूज किया गया उसके बाद क्या क्या मिलेगा। तो पहले में हमने प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक मटेरियल प्रेजेंट होने पे क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, कलर देती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वाली कलर नहीं देती है, आंसर अपने को डी मिल जाएगा। 182 देखेंगे, रिमूवल ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियर विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द टीआरएनए, सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। 186 देखेंगे, ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यदि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है प्रॉपर अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो लाइफ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो है लगातार उस कंट्री पे लोड बढ़ता है, और इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, आंसर सी। 188 में पूछा है किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या है, क्या जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपल से इसका वर्ड याद रखेंगे सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। 190 में देखेंगे, ए सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसप्लांट, मार्कर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक हम रख पाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस करने के लिए, तो ये मार्कर इसीलिए हमको यूज करना पड़ता है, ए स्ट्रॉन्ग आंसर है। 191 में देखेंगे, प्रोजेस्टोजेंस अलोन इन द कॉम्बिनेशन इन ईस्ट्रोजेंस कैन बी यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ देखेंगे हम सारा का सारा कॉन्ट्रासेप्टिव जो हार्मोन है, दो ही हार्मोन का रोल है, एक अपना ईस्ट्रोजन है, एक अपना प्रोजेस्टोन है, इन इन्हीं दोनों को कभी हाई डोज में कभी लो डोज में, कभी इसका हाई कर दिया कभी इसका लो कर दिया, कभी इसका हाई कर दिया कभी इसका लो कर दिया, इन्हीं के प्रिपरेशन में अपने को क्या क्या मिलता है, इन्हीं की हम पिल्स आती है, पिल्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आती है, इन्हीं के हम क्या देखते हैं, इंजेक्शन आईवी आईएम देखने को मिलते हैं, इन्हीं के हमको क्या मिलते हैं, देखने को इम्प्लांट मिलते हैं, जो कि किस फॉर्म में आते हैं, नॉर प्लांट के फॉर्म में आते हैं, कट के फॉर्म में आते हैं, आंसर इसका बी हो जाएगा। 186 बार बार रिविजन करते रहो, और जो कुछ भी दिक्कत है सारा न्यूमरल डेटा जो है हमको एक जगह कलेक्ट करो, कंसेप्चुअल पार्ट को बार बार दोहराए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, अभी एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुड लक।